हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज मैं गांव आई हूँ अपने, तो मतलब सुबह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया कोई वीडियो बनाने का। वैसे भी मेरा जो है चैनल एक हफ्ते से बंद है, तो मैंने सोचा वीडियो बना के रख लेते हैं, उसके बाद जब मतलब उसके बाद वीडियो डालूँगी, अपलोड करूँगी। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊँगी कुछ बहुत ही खास, बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो इससे पहले आप लोग को दिखाऊँ तो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी देखिए, अभी मैं चाय पी रही हूँ, तो चाय पी के फिर उसके बाद मैं छत पे चलती हूँ। छत पे मैं आप लोग को दिखाऊंगी, एक बहुत ही अच्छा चीज़ दिखाने वाली हूँ छत पे चल के। तो वीडियो को मतलब स्किप मत करिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप लोग, तभी पता चलेगा वो क्या चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊंगी, क्या चीज़ है। तो आप लोग को भी पीना है तो पी लीजिए चाय, अभी पी के उसके बाद मैं छत पे चलती हूँ, आप लोग को दिखाऊंगी वो क्या चीज़ है। मुझे तो देख के बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुश हुई। आप लोग भी देखेंगे बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश होंगे, क्योंकि आप लोग भी ऐसा चीज़ नहीं देखे हैं, इसलिए आप लोग को वो वीडियो आप लोग को दिखाऊंगी, तो आप लोग भी देखिएगा। हमको लग रहा कि आधे ज़्यादा लोग तो नहीं देखे होंगे, क्योंकि मैं भी कभी नहीं देखी थी, फर्स्ट टाइम देखी हूँ। तो आप लोग बने रहिए, अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो फाइनली मेरी चाय हो गई ख़त्म, और इसको मैं रख देती हूँ सिंक में, उसके बाद मैं चलती हूँ छत पे। तो यहाँ मैं देखिए किचन में आ गई हूँ, और ये अब चल रहे हैं, फाइनली छत पे चलते हैं, तो आप लोग को दिखाऊंगी। काफ़ी दिन से देखिए मेरा वीडियो नहीं जा रहा होगा, तो अब वीडियो बना के डालेंगे। तो मतलब आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिएगा। वैसे किसी के ज़्यादा वीडियो पे मैं नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि मेरा चैनल जो लॉक हो गया है, इसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसी वजह से मैं किसी के चैनल पे नहीं आ रही थी। तो इसके लिए आप लोग बुरा मत मानिएगा, कल मेरा चैनल मतलब मंडे को मेरा चैनल चालू हो जाएगा, और ये वीडियो हो सकता लेट जाए, तो इसकी वजह से मैं आप लोग के वीडियो पे नहीं आ पा रही। तो फाइनली देखिए मैं आ गई हूँ छत पे, तो ये है हमारा वो ख़ास चीज़ जो मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग भी ये चीज़ देखिए, ये है एलोवेरा, और इसमें देखिए कितना बड़ा सा फूल आ गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये फूल मैं तो कभी नहीं, आज तक मतलब कभी नहीं देखी थी, फर्स्ट टाइम देखी हूँ कि एलोवेरा में फूल आता है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से भी पूछी कि फूल एलोवेरा का देखे थे कभी, तो वो भी यही बोले कि मैं भी ये कभी नहीं देखा। तो आप लोग भी देख सकते हैं एलोवेरा में कितना अच्छा और कितना अच्छा फूल आया है। और ये मैं बहुत दिन से मतलब इसको मैं ये जो एलोवेरा है मैं लेके आई थी रायबरेली से, लखनऊ गई थी तो रायबरेली गई थी वहाँ पे पिछले साल, तो वहाँ से लेके आई थी, तो मेरे पास गमला नहीं था, जिसकी वजह से मैंने ये मटकी में, ये बड़ा सा मटका था, उसमें मिट्टी भर के इस ये एलोवेरा उसमें मैं लगा दी थी। तो ये काफ़ी अच्छा हो गया है, इसमें जब मैं यहाँ रहती थी तो बराबर पानी डालती रहती थी, यहाँ से टंकी से पानी निकाल के और इसमें मैं डाल देती थी। यहाँ मतलब ऊपर मैं कम से कम दो पेड़ लाई थी केवल, बस वहाँ से दो पेड़ लाई, और यहाँ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा पेड़ हो गए। आज इसी में देख सकते हैं आप लोग कितना ढेर सारा पेड़ हो गया है। तो ये देखिए फूल आप लोग देख सकते हैं पास से, आप लोग देखिए कितना अच्छा इसका फूल है। कितना बड़ा इसका पेड़ हो गया है,
काफ़ी अच्छा लग रहा देखने में। तो यहाँ मैं कई कई मतलब कि ढेर सारे पेड़ हो गए, इससे तैयार हो गए हैं, और कुछ को मैंने यहाँ से ज़मीन पे लगा दी थी, और कुछ तो यहाँ एक और छोटे से मटकी में लगाई हूँ, उसको भी आपको दिखाती हूँ। वो भी बहुत ज़्यादा मतलब हरा भरा है, और एक गमले में लगाई हूँ उसको भी दिखाऊंगी। देखिए कितना बढ़िया है, बड़ा वाला एलोवेरा है, अच्छा लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं एक यहाँ है, ये भी मटकी में ही लगाए हैं, तो ये भी काफ़ी मतलब अभी तक हरा पड़ा है। इसको मैं अभी यही इसी गर्मी में इसको यहाँ पे सेट कर दी थी, इसमें लगा दी थी, थोड़ा मिट्टी थी तो मिट्टी की वजह से इसी में मैं लगा दी थी इस पौधे को। तो और एक मैं गमले में लगाई हूँ, गमला बहुत दिन का गमला है यहाँ पे, तो उसमें एक लगाई थी। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें भी बहुत सारे हो गए हैं। अगर हम अगर लगाना चाहें तो अभी इसको कहीं और ज़मीन में लगा सकते हैं या गमले में लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें से कितने छोटे 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 निकले हुए हैं, कई पेड़ इसमें निकले हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब पेड़ हो सकता है अगर हम कहीं ज़मीन पे लगाएं या गमले में लगाएं मिट्टी भर के, तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो यही सोची मैं कि अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सही सही बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कौन कौन एलोवेरा का फूल देखा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मुझे मैं तो फर्स्ट टाइम देखी थी, इसी वजह से मैंने ये वीडियो शूट किया है, और मैंने सोचा आप लोगों तक शेयर करें। तो आप लोग भी बताइएगा एलोवेरा का फूल किसने किसने देखा है। तो हम फिर मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।